गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब अभी हनी पाजी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। ग्लोरी एल्बम से जो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है उसने अभी पूरे 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए, वो भी 3.5 मिलियन लाइक्स के साथ में। ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए मिलियनेयर ने सिर्फ 42 डेज लिए हैं। वैसे हाई ऑन मी सॉन्ग ने भी पूरे 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन असली रिकॉर्ड ये है कि हनी पाजी के नाम अब सबसे ज्यादा गाने हैं जिनपे 100 मिलियन व्यूज हैं। इस चीज को अचीव करने वाले इंडिया में हनी पाजी इकलौते आर्टिस्ट हैं। वहीं वर्ल्ड के नंबर 5th आर्टिस्ट, आप लोग पूरी लिस्ट देख लो, नंबर 1 पे बैड बनी, नंबर 2 पे BTS, नंबर 3 पे मैरी लिया, नंबर 4 पे ओजुना, वहीं नंबर 5 पे योयो हनी सिंह। ये करके दिखाओ ये खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अश्क सॉन्ग की सिंगर तहमीना अरसलन ने अभी कुछ ही घंटों पहले इंस्टाग्राम पे Q&A रखा था। जब उनसे हनी पाजी के साथ नेक्स्ट कोलैबोरेशन के बारे में पूछा गया तो उनका रिप्लाई आता है सून, मतलब इन दोनों ने शायद एक और गाना बना रखा है। लेट्स सी ये सॉन्ग कभी आता है या नहीं। इसके अलावा हनी पाजी ने आज एक स्टोरी शेयर करी है जिसमे लिखा है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, हर चीज चेंज होती है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इंडियाज गॉट लेटेंट में जियान भाई आने वाले हैं, सो वो वाला मेंबर्स ओनली एपिसोड आ चुका है। वैसे तो इसमें समय रैना ने हनी पाजी, एमी वे, जियान भाई, नेजी, डिवाइन सबके ऊपर जोक्स मारे हैं, लेकिन जियान भाई को ज्यादा ही गंदा पेल दिया। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। ये गली बॉय में डिवाइन बने थे, अभी करियर नेजी ज्यादा चल रहा है, इनकी मूवी भी आ रही है अभी। प्रमोशन नहीं करना, मैं ऐसे ही आया हूँ दोस्ती। अरे थैंक यू सो मच ब्रो, आई थॉट यू आर अ क्लाइंट। नहीं नहीं फिल्म भी देख। ब्रो आई थॉट यू आर अ क्लाइंट। नहीं नहीं फिल्म भी देख। सारी उम्र मैं जो तेजा बड़े पाँच छह सर का एक सॉन्ग भी आया था, तभी मैंने उस पर वीडियो बना के डाली थी, आपने स्टोरी पे भी डाली थी। थैंक यू। कौन सा था? ब्राउन रंग। सारी उम्र मैं जो तेजा बड़े मेरी तरफ से तो 10 है भाई, मैं कर ही नहीं सकता जो आप करते हो। वाओ, तो 10 है क्योंकि जो आप कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। तो हर सिंगर को भी 10 देने पड़ेंगे। हर सिंगर को भी 10 देने पड़ेंगे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, वो मतलब ये होता कि इन्हें उन तकलीफों से डील करना होता। बिल्कुल सही। वैसे सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि इसी एपिसोड में आए थे, उन्होंने आईफा में पाजी के पैर छुए थे। एक बूढ़ा शेर एक जवान शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, और सच में शेर ज्यादा खतरनाक है। खैर अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।